अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निमोन। आप देख रहे हैं टेक्शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। बात करें आज की पहली अपडेट की जो कि आ रही है शाओमी के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली शाओमी के एप्पल के एयर टैग्स जैसे कुछ पेटेंट सामने आए हैं, मतलब कि शाओमी भी एप्पल के एयर टैग्स की किस्म की किसी डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लगी कि भाई शाओमी ने ये वाले पेटेंट्स 2017 के अंदर रजिस्टर करवाए थे जो कि अब सामने आए हैं। तो मतलब कि 2017 से लेकर शाओमी इन किस्म की जो डिवाइसेस है उनके ऊपर काम कर रहा है। पता नहीं इनका नाम क्या होगा, क्या साइज़ होगा, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि अगर एयर टैग्स जैसे होंगे तो इनका साइज़ भी छोटा होगा और इसको यूज़ किया जाएगा आप लोगों की डिवाइसेस होगी उनको फाइंड आउट करने के लिए। तो लेट्स सी भाई शाओमी अपने एयर टैग्स को कब लेके आता है और उनकी प्राइस कितनी होती है। वैसे अगर ये शाओमी की तरफ से आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते होंगे और शाओमी की जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं उन सब के ऊपर एयर टैग्स लगाने होते हो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ जाएंगे, क्योंकि भाई शाओमी की लातदार प्रोडक्ट्स आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। वैसे मुझे लगता है कि ये जो एयर टैग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर या फिर किसी कंट्री के अंदर, मुझे कंट्री भूल गया है, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो एयर टैग्स हैं ना ये बच्चों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं तो ये चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है। अगर बच्चों ने मुँह के अंदर डाल लिए, निगल लिए तो मसला काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये चीज़ वाकई में काफ़ी एक सोचने वाली है, लेकिन ये चीज़ है कि अगर आप लोग एयर टैग्स को किसी चीज़ के साथ अटैच करते हो तो बच्चे का वहाँ से उसको निकालना वो काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है। लेकिन भाई बाहर की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो इतना ज़्यादा सोच रही होती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगले अपडेट की बात करें जो कि आ रही है लिंक्डइन की तरफ से, लिंक्डइन के रिलेटेड। तो भाई उनका जो डाटा वो ब्रीच हो चुका है, लिंक्डइन को हैक कर लिया गया, जिसके बाद 700 मिलियन लोगों का जो डाटा था हैकर्स ने चोरी कर लिया। और एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊं कि जो टोटल यूजर्स हैं ना लिंक्डइन के वो तकरीबन 756 750 के अराउंड मिलियन के अराउंड हैं, उनमें से 700 का डाटा चोरी हो गया मिलियन का, पीछे कितने बचे होंगे। तो जो काफ़ी एक वियर्ड चीज़ है, अब इसके रिलेटेड उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किस तरह डाटा लीक हुआ और मतलब कि किस तरह हैकर्स ने उसको एक्सेस किया। तो लेट्स सी भाई क्या फाइंडिंग्स सामने आती हैं। अगली अपडेट की बात करें जो कि मुझे लगता है कि आज की हमारी सबसे बेस्ट अपडेट है, जो कि यूजफुल अपडेट वही है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि इन द नियर फ्यूचर हम लोग अलाउ करेंगे कि आप लोग अपने मोबाइल नंबर के थ्रू बैंक अकाउंट को खुलवा सकोगे। अगर आप लोगों ने कभी बैंक अकाउंट खुलवाया पाकिस्तान के अंदर तो आप लोगों को आइडिया होगा कि भाई कितना ज़्यादा कम्प्लेक्स, कितना ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है। जब भी मैं इनिशियली तौर पर जाता था बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए तो मुझे लगता है कि था कि भाई बैंक वाले चाहते नहीं है कि मेरा अकाउंट हो, मतलब कि काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें मांग रहे होते हैं। हर बैंक के अंदर हर उनका जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या फिर अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं तो उन लोगों का मकसद ये है कि लोगों को ईजी तरीके के साथ बैंक अकाउंट्स जो हैं वो खुलवा के दिए जाएँ, उसके बाद उन लोगों को टैक्स के दायरे के अंदर लेके आया जाए, मतलब कि वो लोग टैक्स पे करें, उनकी जो अर्निंग्स हैं उनके जो सोर्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सके और बेसिकली ये सिस्टम को कनेक्ट किया जाएगा रास्ट के साथ, जिसके ऊपर हम लोग मज़ीद डिटेल के अंदर बात कर चुके हुए हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो भाई लेट्स सी कि कब से स्टार्ट होता है और स्पेशली तौर पर वो वाले एरियाज़ जो कि इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब गाँव वाली साइड के ऊपर लोगों को इतनी खास ज़्यादा समझ नहीं होती, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ईजी हो जाएगी कि मोबाइल नंबर के ऊपर वो लोग अपना जो बैंक अकाउंट है वो खुलवा सकेंगे। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है ओनर के रिलेटेड, हम लोगों ने कल ही ओनर के एक स्मार्टफोन के बारे में बात की थी जिसकी पिक्चर्स लीक हुई थी, जो कि बेसिकली एक बजट स्मार्टफोन है। तो उसको चाइना के अंदर फाइनली ओनर ने लॉन्च कर दी है, जो कि है ओनर X20 SE। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो फ्रंट के ऊपर हमें जो डिस्प्ले मिल रहा है, जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लेवल की है। आप लोगों को यहाँ पर जो बेजल्स और जो चिन्ह नज़र आ रहे हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर हम लोग बैक साइड के ऊपर भी चले जाते हैं तो बैक साइड के ऊपर भी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट और नाइस टाइप का लग रहा है। पिल शेप के अंदर मॉड्यूल है कैमरा का, उसके अंदर कैमरा के लेंसेज हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है। अनफॉर्चुनेटली किसी किस्म का कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लगी। फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैक साइड के ऊपर चले जाते हैं तो मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का, साथ में 2-2 मेगापिक्सल के जो छोटे छोटे सेंसर्स थे वो ओनर ने चिपका दिए हुए हैं। डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर है, 4000 mAh बैटरी के साथ 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अब इसके अंदर आप लोगों को दो वेरिएंट्स मिलेंगे, 6128 और 8128।
इनकी जो प्राइसेज है वो 44,000 और 48,000 के अराउंड बन रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ओवर प्राइस है। लेकिन अगर हम लोग ओनर को देखते हैं तो उसकी जो मतलब कि एक प्रीमियम टाइप की फील होती है। तो लेट्स सी कि भाई ओनर क्या करता है स्मार्टफोन को दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जब लेके जाता है तो प्राइस कहाँ पर रखता है। और डायमेंशन 700 का जो प्रोसेसर है 5G प्रोसेसर है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। Xiaomi की तरफ से एक डिवाइस आई थी जिसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल के अंदर बात की थी, तो जो स्पेसिफिकेशन है फ़ोन की और जो प्राइस है ये थोड़ी सी एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रही। लेकिन हमें वेट करना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट के अंदर ओनर का क्या गेम प्लान होता है। इसके अलावा आप लोग की तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ओनर अब हुआवे से अलग हो चुका हुआ है, तो अपडेट्स के रिलेटेड तो एक चीज़ मेरी नज़र से गुजरी थी जिसके अंदर उन लोगों ने यह कहा कि जितनी भी डिवाइसेज जो कि April 1, 2021 से पहले लॉन्च की गई हैं, मतलब कि 1 अप्रैल से पहले लॉन्च किए गए हैं, उनके अंदर आप लोगों को जो अपडेट्स मिलेंगी वो मिलेंगी हुआवे की तरफ से, क्योंकि तब तक जो हुआवे कौन करती थी ओनर को, उसके बाद ओनर अलग हुई है। तो ये चीज़ आप लोग मतलब अपने माइंड के अंदर रख सकते हो कि 1 अप्रैल से जितनी भी डिवाइसेज आई उन लोगों को हुआवे अपडेट्स देगा, उसके बाद जो डिवाइसेज आएंगी उनको अपडेट्स मिलेंगी वो ओनर की तरफ से मिलेंगी। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन के रिलेटेड, जो कि है वीवो S10, इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर चुके हुए हैं। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे वो बिल्कुल क्लियर होगी, वो कन्फर्म होगी, क्योंकि भाई एक पिक्चर लीक हुई है जिसके अंदर सारी की सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो मेंशन की गई हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायमेंसिटी 1100 का प्रोसेसर मिलेगा 8GB के साथ 4GB की वर्चुअल रैम, और 12GB के साथ भी 4GB की वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलेगा। 44W की जो फास्ट चार्जिंग की है वो हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी। 108MP का मेन सेंसर होगा। अब वीवो की जो एस सीरीज़ है ये पाकिस्तान के अंदर है नहीं, हम लोग इसको एज अ नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि भाई ये वाली जो सीरीज़ है ये कहाँ पर स्टैंड करती है। इसके अंदर भी जो डिज़ाइन होगा वीवो का वो हसबे मामूल आप लोगों को वही देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रंट के ऊपर जो नोच होगी, पंच होल तो वीवो यूज़ करता नहीं है, पता नहीं पंच होल के लिए वीवो को बैन किया गया। पंच होल की पेटेंट्स है वीवो को मिड रेंज के अंदर मिलते नहीं है, लेकिन ये वाला फोन चाइना के अंदर काफी ज्यादा जल्दी आ रहा है। तो लेट्स सी पाकिस्तान के अंदर ये आता है किस नाम का रीब्रांड होकर आता है, तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग होगी। बात करें आज की हमारी आखिरी और काफी एक्साइटिंग अपडेट की जो कि आ रही है सैमसंग S22 Ultra के रिलेटेड, तो उसके जो रेंडर्स हैं वो सामने आए हैं। ये चीज कही जा रही है कि काफी हद तक आप लोगों को इस किस्म का जो डिजाइन है वो मिल जाएगा, मतलब कि आप लोग इसको फर्स्ट लुक भी कह सकते हो जो कि हमें रेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बैक साइड की, तो आप को जो मेन कैमरा का मॉड्यूल मिलेगा वो सेम वही मिलेगा जो कि हमें इस वक्त मिल रहा है। इसके अंदर जो कैमरे के अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आजकल काफी ट्रेंडी चल रही है। आप लोगों को एक बड़ा टॉप के ऊपर लेंस मिलेगा, उसके नीचे जो छोटे लेंसेज हैं वो लगे हुए हैं। तो ओवरऑल ये वाला जो डिजाइन है एट द फर्स्ट ग्लांस काफी ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है एज कंपेयर टू S21 Ultra के। ये वाला जो डिजाइन काफी बेस टाइप का, एग्रेसिव टाइप का है, तो अगर सैमसंग इसको यूज करता है तो काफी एक अच्छा डिजाइन होगा, काफी अच्छी अपग्रेडेशन होगी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को S22 Ultra के अंदर अडाप्टिव जो फैन है उसका ऑप्शन भी मिलेगा, मतलब कि उसके अंदर आपको फिजिकल एक फैन मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा यूजर्स की तरफ से S21 Ultra के अंदर हीटिंग के रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, तो सैमसंग उसको दूर करने के लिए, और आपको पता है कि जो कैमराज होते हैं भाई वो काफी ज्यादा हीट को जनरेट करते हैं, तो कैमरा मॉड्यूल के बिल्कुल नीचे हो सकता है कि सैमसंग एक अडाप्टिव फैन को लगा दे। ये चीज मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल है कि क्योंकि ये गेमिंग फोन तो है नहीं, तो इतनी कुछ अगर हीट जनरेट होती है तो मुझे लगता है कि सैमसंग को अपनी ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग इस साइड को ऊपर निकल जाओगे ना फिजिकल फैंस और ये वो, तो आप लोगों के लिए चीज़ काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी। एप्पल से थोड़ी सी टिप्स ले लूँ लेनी चाहिए जो कि सैमसंग अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, और वैसे भी जो एग्जिनोस है उसको भी सैमसंग इस दफा काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा, क्योंकि भाई पाकिस्तान के अंदर तो एग्जिनोस वाला ही वेरियंट आएगा। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स थी जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना था। वीडियो को ख़त्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो लाजमी तौर पर रीड कर रहा होता हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।